नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रसेन और आप देख रहे हैं दिल्ली 99। देश के मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करने और अपनी एकजुटता का संदेश देने के लिए सोमवार यानी आज दिल्ली में विपक्षी दलों की एक मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें एनआरसी और सीएए के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन पर चर्चा होगी। लेकिन इस मीटिंग से पहले ही सीएए और एनआरसी के विरोध में विपक्ष की एकजुटता में फूट पड़ गई है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने विपक्ष की बैठक में शामिल न होने का फैसला किया है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वाम दल गंदी राजनीति कर रहे हैं और अब वो सीए और एनआरसी का विरोध अकेले अपने दम पर करेंगी। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी इस बैठक में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। मायावती ने सोमवार को ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी। मायावती ने ट्वीट कर कांग्रेस पर विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि बीएसपी सीए और एनआरसी के विरोध में है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस के नेतृत्व में बुलाई गई इस बैठक में हिस्सा लेने से साफ इनकार कर दिया है। आपको बता दें, कांग्रेस ने समान विचारधारा की सभी पार्टियों को बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये बैठक पार्लियामेंट एनेक्सी में आज दोपहर 2 बजे होगी, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। इस बैठक में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, डीएमके, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, लेफ्ट, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी के अलावा भी कई पार्टियां शामिल होंगी। लेकिन कई पार्टियों ने इस बैठक में शामिल होने से भी इनकार कर दिया है। ऐसे में उनका कहना है कि वो अपने अकेले दम पर एनआरसी और सीएए का विरोध करेंगी। आपको बता दें, ये जो बैठक होने जा रही है, इसमें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो हिंसा हुई, इस बैठक में वो अहम मुद्दा होगा। और इस मामले में कांग्रेस ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बनाई है। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट आला कमान को सौंप दी है। लेकिन फिलहाल आज दोपहर 2 बजे जो विपक्षी दलों की बैठक होगी, और इस बैठक का मकसद था कि एक साफ संदेश एकजुटता का दिया जाए कि सभी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एकजुट हैं सरकार के खिलाफ। जिस तरीके से एनआरसी, सीए और अलग अलग यूनिवर्सिटीज में हिंसा हो रही है उसको लेकर, लेकिन इस बैठक में ममता बनर्जी, साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती और आम आदमी पार्टी ने शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। न्यूज के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली 99।